तो वहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि के समसामयिक कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार में लंबी अवधि के धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें, साथ ही बिहार में जूट की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की बुवाई जारी रखें। बिहार में खरीफ प्याज की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान चारा फसल जैसे मक्का और बाजरे की बुवाई करें। वहीं झारखंड के किसान समय पर बोई गई धान की कटाई करें, साथ ही यहाँ के किसान पकी मूंग की कटाई कर लें। झारखंड में अदरक और हल्दी के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। यहाँ के किसान सूरजमुखी की बुवाई करें। वहीं ओडिशा के किसान बेबी कॉर्न, फ्रेंच बीन और भिंडी की बुवाई करें। साथ ही यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूली और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान बैंगन और मिर्च की छोटे पौधों की रोपाई कर लें। इसके अलावा ओडिशा में अभी के समय खीरे की सीधी बुवाई कर लें। यहाँ के किसान रोपी गई फसलों में हल्की सिंचाई करें। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज की फसल की। जी हाँ, फसल के लिए बेहद ज़रूरी है कि ना आप सिर्फ उसके उचित समय का ख्याल रखें, बल्कि हर एक जो कृषि क्रिया है उसको समय पर आपको करना होगा। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्याज के बारे में। अगर आप इसके खरीफ के मौसम में बुवाई करना चाहते हैं, किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये मौसम प्याज की बुवाई के लिए अनुकूल है। किसान जून में खरीफ की प्याज की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई के लिए 12 से 15 किलो बीज एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहेंगे। बुवाई करते समय पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बुवाई से पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लें। खेत को जोतकर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। निराई गुड़ाई कर खेतों से खरपतवार को पूरी तरह से हटा लें। अगर सिंचाई की बात करें तो बुवाई के तुरंत बाद एक सिंचाई करें और फिर हर सप्ताह फसल में सिंचाई करें। किसान प्याज की कई किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। पूसा माधवी किस्म लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए अच्छी है। इस किस्म की बुवाई करने पर एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। पूसा माधवी के कंद मध्यम से बड़े आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। इसके अलावा किसान पूसा रेड किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में लगाने के लिए बेहतर है। एक हेक्टेयर में 300 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके कंद मध्यम आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। ब्राउन स्पेनिश किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 285 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसके कंद गोल लाल भूरे रंग के होते हैं। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 3 से 4 निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। बुवाई और रोपाई के बाद फसल का कीटों आदि से बचाव भी जरूरी है। फसल पर थ्रिप्स कीट का खतरा बना रहता है। थ्रिप्स पीले रंग और छोटे आकार का एक कीट होता है जो पत्तियों से रस को चूसता है, जिससे पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। पत्तियां भूरी रंग की होकर सूख कर मुरझाने लगती हैं। इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। दवा सिर्फ कीटों के प्रकोप वाले क्षेत्र में ही करें। इससे दवा भी कम लगेगी और कीट नियंत्रण भी बढ़िया होगा। यानी लागत में तो कमी आएगी ही, साथ ही पर्यावरण व सेहत को भी नुकसान कम होगा। जरूरत के अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर किसान धान की नर्सरी के लिए खेतों को तैयार कर लें। साथ ही यहाँ किसान उन्नत किस्मों के बीज और उर्वरक की व्यवस्था भी करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान हल्दी और अदरक की बुआई जारी रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में टमाटर, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई किसान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ किसान खाली खेत में गहरी जुताई का काम कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई की तैयारी किसान इस वक्त कर सकते हैं। तो जाना आपने किन किन खास बातों का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ